एक दिन केरन राय और माओ तीनों ही कहानी की दुनिया में गए होते हैं और उसमें छेड़खानी करने लगते हैं। केरन जहां सिंड्रेला को पम्पकिन की जगह बैगन पकड़ा देती है, वहीं राय खरगोश और कछुआ की कहानी में सोते हुए खरगोश के मुंह में ड्राइंग कर देता है। पर उधर माओ लिटिल रेड राइडिंग हुड की दुनिया में जंगल में कहीं खो गया है। वह डरते हुए जब जंगलों से गुजर रहा होता है तभी एक खाई पे गिर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो गिरता लिटिल रेड राइडिंग हुड उसे बचा लेती है। फिर वे एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड खुश है कि माओ को कोई चोट नहीं आई, लेकिन तभी माओ को कुछ याद आता है और वो अपना बॉल वहीं भूलकर जल्दी से वापस अपनी दुनिया में जाने लगता है। उधर नर्सरी में केरन और राय बुक की दुनिया से बाहर निकलते हैं। प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं, तो तुम्हें कहानी की दुनिया कैसी लगी? राय कहता है कि यह काफी इंटरेस्टिंग था। वहीं केरन भी उसका समर्थन करती है। बच्चों को खुश देख टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि डेविल वर्ल्ड से यह बुक खरीदने का आपका आइडिया बहुत ही अच्छा था। प्रिंसिपल खुश होते हैं, पर तभी वे देखते हैं कि यहाँ तो माओ ही नहीं है। वे सभी घबरा जाते हैं, पर तभी माओ भी उस बुक से बाहर निकलता है। टीचर पूछती है कि तुम लेट क्यों हुए? माओ कहता है कि मैं जंगलों में कहीं खो गया था, लेकिन मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बचाया। वो बहुत क्यूट है, यह कहते हुए माओ काफी खुश होता है। शाम को जब नर्सरी से सभी बच्चे चले गए होते हैं, तभी उस बुक से लिटिल रेड राइडिंग हुड भी बाहर निकलती है। उसके हाथों में माओ का बॉल है। वह चौंक कर इधर उधर देखती है और वहाँ से भागकर बाहर निकलती है। इधर घर जाते हुए माओ हनुका को बताता है कि वो कैसे कहानी की दुनिया में लिटिल रेड राइडिंग हुड से मिला और उसने उसकी जान बचाई। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है। पलट कर देखने पर वे पाते हैं कि यह तो लिटिल रेड राइडिंग हुड है। उसे देख माओ काफी खुश होता है। रेड माओ से कहती है कि तुम अपनी बॉल हमारी दुनिया में भूल आए थे। फिर वे रेड को अपने घर ले जाते हैं। रेड को भी माओ की तरह हॉट केक काफी पसंद आते हैं, पर माओ तो रेड को एक तक देखता रह जाता है। माओ को इस तरह देख रेड पूछती है कि क्या हुआ। माओ शर्मा जाता है और कुछ नहीं कहते हुए अपने केक भी उसे ऑफर करता है। इस पर रेड खुश होते हुए माओ को थैंक्स करती है। उसे थैंक यू कहता देख माओ तो बिल्कुल ही उसके प्यार में लट्टू सा हो जाता है। खाने के बाद रेड कहती है कि अब मुझे अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा। इसे सुन माओ काफी दुखी होता है। इस पर रेड कहती है कि अगर मैं वापस नहीं गई तो लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी गायब हो जाएगी। फिर रेड उसे आगे की कहानी बताने लगती है कि वह यहाँ से सीधे अपने ग्रैंड मदर के पास जाएगी, जहाँ ग्रैंड माँ का नाटक कर रहा एक भेड़िया मुझे खा जाएगा। इसे सुन सभी काफी घबरा जाते हैं। माओ काफी गुस्सा हो जाता है। वह नहीं चाहता कि वो भेड़िया रेड को खा जाए। वह चाहता है कि रेड हमेशा उसके साथ ही रहे। इस पर रेड कहती है कि माओ घबराने की जरूरत नहीं, कहानी के एंड में मैं एक वुड कटर द्वारा बचा ली जाऊंगी। पर माओ यह मानने को तैयार ही नहीं। इस पर शिन भी माओ को समझाता है कि माओ रेड को घर जाना ही होगा, वरना उसकी कहानी किताबों से गायब हो जाएगी। माओ कहता है कि जो भी हो वह नहीं चाहता कि रेड को वह भेड़िया खा जाए। यह कहकर माओ जोर जोर से रोने लगता है। तभी हनुका को माओ की कॉस्ट्यूम दिखती है। उसे एक आइडिया आता है। बाद में हमें नर्सरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेड वापस अपने घर जाने को तैयार है। घर जाने से पहले रेड माओ के पास आती है और कहती है कि माओ तुम वापस मेरे दुनिया में जरूर आना, हम वहाँ कई सारे खेल खेलेंगे। माओ हाँ में सर हिलाता है। फिर रेड बाय कहते हुए वापस अपनी दुनिया में चली जाती है। माओ भी उसे बाय बाय कहने लगता है। रात को हनुका माओ को लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनाने लगती है। जहाँ जब रेड वापस अपने ग्रैंडमा के घर जाती है तो ग्रैंडमा के रूप में वहाँ एक भेड़िया होता है जो कि रेड को खाना चाहता है। लेकिन तभी रेड माओ के मॉन्स्टर कॉस्ट्यूम को पहन लेती है, जिसे देख वो भेड़िया काफी डर जाता है और चिल्ला चिल्ला कर वहाँ से भाग जाता है। कहानी में आए इस बदलाव को पढ़ हनुका काफी चौंक जाती है, पर इससे माओ काफी खुश है। अगले दिन हनुका को कहीं जाना होता है। वो माओ को सिन की निगरानी में छोड़ जाने को तैयार होती है और माओ से कहती है कि माओ मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है, तो तुम एक अच्छे बच्चे बनकर पापा के साथ मेरा वेट करना। माओ मान जाता है। हनुका के जाने के बाद सिन और माओ कई सारे खेल खेलने लगते हैं। खेल खेल कर वे काफी थक जाते हैं और बोर भी हो जाते हैं। लेकिन तभी सिन को एक आइडिया आता है। वह माओ को वॉक पर ले जाता है। माओ भी काफी खुश है। तभी शिन कहता है कि आज हम तुम्हारे किंडरगार्टन वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, बल्कि उसकी उल्टी दिशा वाले रास्ते में जाएंगे। माओ उसे सुन काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि आज उसे कई सारी नई जगहें देखने को मिलेगी। वह काफी उत्साह पूर्वक सिन के आगे आगे चलने लगता है। तभी वहाँ उन्हें एक कैफे दिखती है, जहाँ सिन के क्लासमेट्स बैठे होते हैं। वे उनके पास जाते हैं। सिन उन्हें माओ से मिलाता है।
वे माओ को देख काफी खुश होते हैं और उसे जूस ऑफर करते हैं। फिर शिन अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग पढ़ने में तो बहुत अच्छे हो, मुझे खुशी होगी अगर तुम माओ को भी कुछ सिखाओ। तभी उनमें से एक लड़का शिन की बातों को मानकर माओ को साइंस के बारे में बताने लगता है, पर उसकी सारी बातें माओ के सर के ऊपर से निकल जाती है। तभी दूसरा लड़का माओ को इस दुनिया के रहस्यपूर्ण बातों को बताने लगता है। वह कहता है कि आज से 5 साल बाद यह दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे और डेविल्स आने लगेंगे। इसे सुन माओ काफी घबरा जाता है। माओ सोचता है कि वह भी तो एक डेविल है, तो क्या उसकी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। वह उन्हें सॉरी कहता है। लड़कों को समझ में नहीं आ रहा कि वह सॉरी क्यों बोल रहा है। तभी शिन झट से काम का बहाना बनाते हुए माओ को वहां से ले जाता है। फिर शिन उदास माओ को बताता है कि ये सब बातें झूठ है, वास्तव में हर इंसान के अपने अलग अलग विचार होते हैं। मैं तो यह सोचता हूँ कि तुम फ्यूचर में कैसे दिखोगे। तभी हमें शिन के इमेजिनेशन को दिखाया जाता है, जहाँ माओ, राय और कैरेन तीनों बड़े हो चुके हैं। इसे सोच शिन हंसने लगता है। तभी माओ कहता है कि पापा मैं थक चुका हूँ। इस पर शिन उसे अपनी गोद पर उठा लेता है और फिर अपने कंधे पर। माओ इससे काफी खुश है। घर जाते हुए ही रास्ते में उन्हें हनुका भी मिल जाती है। उसने घर आते हुए सब्जी बाजार भी कर लिया था। हनुका के हाथ में भारी बैग को देखकर शिन उसे उठा लेता है और वे साथ साथ घर जाने लगते हैं। इसे देख माओ मन ही मन सोचता है कि मैं भी बड़ा होकर पापा जैसा ही बनूंगा। क्रिसमस का दिन आता है। नर्सरी में बच्चे क्रिसमस थीम पर काफी ज्यादा मजे करते हैं। फिर प्रिंसिपल माओ को सेंटा बना देते हैं और उसके हाथ में बैग थमाकर सभी को गिफ्ट देने को कहते हैं। उनके कहे अनुसार माओ भी सभी को गिफ्ट देने लगता है। घर आकर भी माओ सेंटा के बुक को ही देख रहा है। जब हनुका उसे देखती है तो माओ उससे पूछता है कि मामा क्या सच में सेंटा आएंगे। हनुका कहती है हाँ, कल जब तुम सो जाओगे तो सेंटा तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़कर चले जाएंगे। नर्सरी में प्रिंसिपल माओ को भी एक क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। माओ इसे पाकर काफी ज्यादा खुश होता है। पर राय को भी यह कार पसंद आती है। वह कहता है कि उसे भी ऐसी कार चाहिए। राय की बातों को सुन माओ इसे राय को दे देता है। इसे देख सभी चौंक जाते हैं। माओ कहता है कि कोई बात नहीं, आखिरकार मैं भी तो एक सेंटा हूँ। यह गिफ्ट पाकर राय काफी खुश होता है और माओ को थैंक यू कहता है। इसके बाद तो केरेन और राय मिलकर माओ को सेंटा कहते हुए उसे हर एक चीज मांगने लगते हैं। बार बार उनकी विश पूरी करते करते माओ काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और आखिर में चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस सेंटा के जॉब को छोड़ रहा हूँ। उसे देख सभी चौंक जाते हैं। फिर प्रिंसिपल उसे सेंटा की जगह एक दूसरी क्रिसमस कॉस्ट्यूम देते हैं, जो कि एक चिकन सूट है। घर जाते हुए हनुका माओ को खुश करने के लिए सेंटा की बातें बताती हुई जाती है। वह कहती है कि सेंटा इस दुनिया के सभी बच्चों की विश पूरी करते हैं। इसे सुन माओ हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं सेंटा से मिलना चाहता हूँ। रात को जब सोने का समय हो जाता है तो माओ नहीं सोता। वह खिड़की से बाहर देख सेंटा का इंतजार कर रहा होता है। उधर शिन और हनुका माओ के सोने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सोया तो वे उसके लिए गिफ्ट कैसे रखेंगे। वे माओ से कहते हैं कि तुम सो जाओ, जब सेंटा आ जाएंगे हम तुम्हें जगा देंगे। इस पर माओ कहता है कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं सेंटा का वेट करूंगा। समय बीतता जाता है पर माओ नहीं सोता। हनुका और शिन को समझ में नहीं आता कि अब क्या करे। तभी शिन को एक आइडिया आता है। वह माओ को एक्टिविटी करवा कर थका कर उसे सुला देना चाहता है। इसी प्लान के तहत शिन माओ को कई सारी एक्सरसाइज कराता है, पर लगता है कि शिन का यह प्लान उल्टा पड़ गया। अब तो माओ और अधिक एनर्जेटिक हो गया है। बेचारा शिन निराश हो जाता है। समय बीतता जाता है। माओ को नींद तो आ रही है पर वह सोना नहीं चाहता। पर इधर हनुका और शिन की नींद की वजह से हालत खराब हो चुकी है। हनुका खुद को संभाल नहीं पाती और चकराकर वहीं पर गिर जाती है। शिन भी खुद को थाम नहीं पाता और वह भी गिर जाता है। उनके गिरने की आवाज सुन माओ उनके पास जाता है और उनको जमीन पर सोते देख खुद भी उनके बीच जाकर सो जाता है। तभी अचानक शिन की नींद टूट जाती है। वह देखता है कि माओ उनके बीच सोया हुआ है। तभी हनुका भी जाग जाती है। वे माओ को सोता पाकर काफी खुश हो जाते हैं और फिर उसका प्रेजेंट रखने के लिए उसके कमरे में जाते ही है कि उन्हें वहाँ तीनों के लिए ही अनजान गिफ्ट पड़े मिलते हैं। हनुका और शिन यह देखकर चौंक जाते हैं। आखिर किसने यह गिफ्ट यहाँ रखा होगा। वे सोचते ही हैं कि तभी उन्हें खिड़की से बाहर सेंटा और उनकी गाड़ी आसमान की ओर उड़ती हुई दिखाई देती है। यह दृश्य देख वे दोनों चौंक जाते हैं। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।